अब कहाँ जा रहे हैं पापा? अब हम जा रहे हैं ज्वालामुखी माता ज्वाला जी, वहाँ पे माता की ज्वाला माता की ज्योति हर वक्त बिना किसी तेल बिना किसी बाती के एक पत्थर एक चट्टान से निकलती रहती है हर वक्त, और उसको कोई भी बुझा नहीं पाया। एक बार एक मुसलमान राजा था, उसने उसको बुझाने की कोशिश करी, उसके ऊपर तवे चढ़ा दिए थे लोहे के बड़े बड़ी चीट्स, और क्या हुआ तो वो तवे में से भी फटके निकल गई वो ज्योति जलने लगी। फिर उसने उसके ऊपर एक नहर से पानी बना के डाला तो वो पानी में से भी वो ज्योति बंद नहीं हुई, वो पानी में से ज्योति निकलने लग गई। तो उसके बाद फिर वो जो राजा था उसका नाम था अकबर, जो मुसलमान राजा था, उसने फिर वो नतमस्तक हुआ, उसने प्रणाम किया कि माता मैं तो मेरे से भूल हो गई। तो ऐसी वहां की कहानी है और बहुत ही भव्य मंदिर है वहां पे। अब हम वहां जा रहे हैं। जब राजा अकबर जो था वो दिल्ली से आया, उसने क्या किया, सभा मन लगभग 40 किलो सोने का छत्र वहां पे चढ़ाया, चढ़ा के तो उसको अभिमान हो गया कि राजा कि मैं एक राजा हूँ, कि माता तेरे किसी भी भक्त ने इतना सोने का इतना बड़ा छत्र नहीं आज तक चढ़ाया होगा जितना मैंने चढ़ाया। तो क्या हुआ, वो छत्र एक तरफ गिर गया और गिरने के बाद उसकी ऐसा मेटल बन गया जिसको आज तक साइंटिस्ट भी प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा मेटल है, कौन सी धातु है। वो सोना नहीं रहा, उसका जो सोने का तत्व था वो खत्म हो गया। तो अब वो आपको मैं वहां जाके दिखाऊंगा जो वो छत्र है, एक साइड वहाँ कांच के वो कैबिन में वो रखा पड़ा है, वहीं पे भी है। जब हम मंदिर से माथा टेक के निकलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को वो पड़ा है, तो हम वहाँ आपको दिखाएंगे। जकारा शेर वाली दा बोल साचे दरबार की जय। मंदिर माता ज्वाला जी पहुंचने वाले हैं हम, अभी बस स्टॉप जितनी बसेज हैं वो रखती हैं, तो सामने प्राइवेट कार पार्क, हम वहां कार पार्किंग में कार लगाएंगे। और ये गेट प्रवेश द्वार माता ज्वाला जी का, जय माता दी जय माता दी। हम पहुंच गए हैं माता ज्वाला जी के मंदिर में, यहाँ भक्तों के लाइनें लगी हुई हैं माथा टेकने के लिए। वो जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ माता का शयन कक्ष है, रात को माता का विश्राम के लिए पलंग सजाया जाता है। कहते हैं कि जब सुबह होती है तो जो पानी रखा होता है वो भी यूज़ होता है, और जो बिस्तर है उससे सिरबटे पड़ी होती है जैसे कुछ हो रहा है। और यहाँ पे ये मुख्य मंदिर है, बीच में मुख्य मंदिर के नीचे जो मुख्य ज्योति है वो एक शिला से निकलती है, जिसके लिए ना को तेल ना बाती कुछ नहीं है, लेकिन वो अखंड जल रही है सदियों से, ये यहाँ की मान्यता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी।
माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ से दो लाइनें हो रही हैं मंदिर के प्रवेश के लिए। मुख्य मंदिर माता ज्वाला जी, जयकारा जगदियां ज्योतां वाली दा। गोरख दिब्बी बाबा गोरखनाथ का मंदिर है, गोरख दिब्बी। जय माता दी, जोर लगा के बोलो। जय माता दी, बच्चे भी बोलो। जय माता दी, बड़े भी बोलो। जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की। माता के पांव यहाँ मत्था देखो। जय काली दा, जय बोल साचे दरबार की जय। तो ये है जो हर समय देखती है मंदिर में। यहाँ पे आप जो मत्था टेकते हैं अपने मन के मानते हैं और माता कृपा करती है। ये जो अकबर द्वारा चढ़ाया गया शतर यहाँ पर अंदर इस कमरे में रखा गया है। इधर से आ जाओ दीदी, माता के दर्शन करो यहाँ से। जय ये जो छत्र है, ये छत्र है जो अकबर द्वारा चढ़ाया गया था और सोने काल से छत्र चढ़ाया था। तो उस छत्र के बारे में जिसके बारे में बता रहा था दीदी, ये देखो ये वाला है वो छत्र, ये वाला। जयकारा शेरावाली दा, जयकारा मां जगदियां ज्योतां वाली दा। अदिति ये है वो छत्र जो अकबर द्वारा चढ़ाया गया था और उसको अभिमान हो गया कि मैंने सोना इतना चढ़ाया है, लेकिन ये अब कौन सी धातु बन गई है किसी को पता नहीं है। क्या आपको पता? ना मेरे को भी नहीं पता। जकरा शेरा वाली दा, जकरा माँ नैना देवी दा, जकरा माँ ज्वाला दा, जकरा माँ चिंतापुर्णी दा। माँ शैया भवन, यहाँ माता का शैया होती है। माता का
ध्वज विराजमान मंदिर श्री माता तारा देवी। जब ना अकबर इस ज्योति को बुझाने के लिए ना उसके पानी, तो जो उस सामने से आ रहा ना गहरा सी खाई सी, उस खाई से वो पानी लेके आया था, इतनी बड़ी नहर बना के ना वो नहर का पानी उसके ऊपर डाला था ज्योति के ऊपर। वो पत्थरों की नहर अभी भी टूटी फूटी पड़ी है कहीं ना कहीं, तो वो पानी डाला था माता के उसके ज्योति पे, तो ज्योति पानी में भी जलती रही, वो बुझी नहीं थी। जो ज्योति के दर्शन किए ना आपने, उस ज्योति की बात है।